इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स सोलन। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले महीने नगर निगम एरिया में 10 दवाइयों के रैंडम सैंपल लिए हैं और उन्हें जांच के लिए भेज दिया था, परंतु रिपोर्ट अभी तक विभाग के पास नहीं पहुंची है। औषधि निरीक्षक सोलन डॉक्टर प्रीति शर्मा ने कहा है कि विभाग हर महीने दवाइयों के सैंपल ले रहा है, अगर उनमें किसी भी तरह की अनियमितताएं मिलती है तो रिटेलर्स पर विधिवत कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले महीने नगर निगम एरिया में 10 दवाइयों के सैंपल भरे थे, जिसकी रिपोर्ट अभी तक विभाग के पास नहीं पहुंची है और इस महीने के सैंपल भी एक दो दिन में भर दिए जाएंगे। अगर सैंपल में किसी तरह की खामियां मिलती है तो जांच पूरी होने के बाद आधिकारिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लास्ट मंथ में हमने 10 सैंपल्स लिए हैं यहाँ MC सोलन के और रिपोर्ट्स इसमें अभी पेंडिंग है और रिपोर्ट्स का अभी टाइम है, देखते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास कोई ऐसा नहीं आया है रिपोर्ट्स का कि फेल है सैंपल। इस मंथ भी कोई सैंपल उठाया है फिलहाल? अभी फिलहाल नहीं, इस मंथ अभी कोई सैंपल नहीं लिया है फिलहाल, एक दो दिन में या इस वीक में हम ले लेंगे। मैम, सैंपल लेने के बाद कितने दिनों बाद रिपोर्ट आ जाती है? अगर उसमें कोई कमी पाई जाए तो इसमें क्या करते हैं? अगर कोई NSQ आता है तो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वाला है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हैं और अगर कोई मेजर है तो वो कोर्ट वाला केस है तो कोर्ट केस लगता है। तो मैम, जैसे इसमें रिटेलर को भी चालान का भी प्रावधान इसमें रखा गया है कुछ या फिर वैसे ही? मैं कह रही हूँ कि अगर NSQ है आपका नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है तो उसका उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाता है। मैम, अक्सर देखा जाता है लोगों के माइंड में जहन में क्वेश्चन रहता है कि सरकारी हॉस्पिटल में PCM के जो रेट मैंने आपसे बात करी वो कम रहता है और बाहर प्राइवेट में महंगा रहता है, क्या फ़र्क रहता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रेट्स हैं, MRP से ऊपर कोई नहीं बेच सकता है, बट डिफरेंट कंपनीज हैं, उनका डिफरेंट प्रोडक्ट है, आपका मार्केटिंग हर चीज़ में जो प्रोडक्ट बनता है जब तो उसमें कॉस्ट लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैम, जो भी सैंपल 10 उठाए गए किस चीज़ के सैंपल, कौन से दवाई के सैंपल थे? रैंडमली उठाए हमने, कोई गैस्ट्रिक की होगी, कोई आपका डायबिटीज़ का होगा। दिव्य हिमाचल TV के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी, तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुँचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।